अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों को? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और मुझे पता है मैं वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, मैं बहुत बीच में थोड़ा बिजी था, थोड़ा मैं इनकंसिस्टेंट भी था वीडियोस बनाने के मामले में, लेकिन मुझे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है रिसेंटली, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेता हूँ। और ये वीडियो आपने टाइटल भी पढ़ लिया, वीडियो होने वाली है अबाउट डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू कजाकिस्तान। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई ऐसे है नहीं बिटवीन पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान, बट अब जो है ये चेंज हो चुका है, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं और डायरेक्ट फ्लाइट चल रही हैं फ्रॉम अलमाती टू लाहौर, और ये वीकली टू फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं ऑन वेनसडे एंड सैटरडे। और ये फ्लाइट जो है ये चला रहा है स्कैट एयरलाइन। स्कैट एयरलाइन कजाकिस्तान की बजट बेसिक एयरलाइन है, वो ये फ्लाइट ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अब आप अपनी टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जो दूसरी मेन चीज़ से मुझे पूछी गई थी कि हम अपनी टिकट खुद कैसे बुक कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, तो इसके अंदर आप अपनी टिकट्स खुद ही बुक कर सकते हैं, किसी एजेंट को भी करवा सकते हैं, तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर सकते हैं। जो मैं हूँ अपनी टिकट्स खुद बुक करता हूँ, और इस वीडियो के अंदर आपको मैं उसका छोटा सा एग्जाम्पल देने लगा हूँ कि आप स्कैट एयरलाइंस के थ्रू अपनी जो है टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जाते हैं स्कैट एयरलाइन के गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाकर हम टाइप करेंगे स्कैट एयरलाइन, और जब हमारे पास पहला लिंक शो हो रहा होगा इसके अंदर उसको हम क्लिक करेंगे। और ये हमारे पास जो है खुल गया स्कैट एयरलाइन का पेज। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम फ्रॉम टू या फिर आउटबाउंड हमारी डेट क्या है वो हम सेलेक्ट करेंगे। हमने अगर जाना है फॉर एग्जांपल लाहौर से, हम यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमने जाना है अलमाती तो हम अलमाती सेलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन सिटी एज। और आउटबाउंड मतलब आप किस डेट को जाना चाहते हैं, हम डेट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 23rd of September, लेट मी जस्ट सेलेक्ट। और वन पैसेंजर हम ऑब्वियसली हम इसको फिर सर्च कर लेंगे। ये जो आपको टिकट शो होंगे आपको शो होंगे कजाकिस्तान टैंगे के अंदर, आप इसको गूगल पे जाके इजीली आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जाके लिखेंगे टैंगे टू पी के कन्वर्टर, वो खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास टिकट शो हो रही है, उसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, लाइट, ऑप्टिमम या फ्लेक्स। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्टिमम का होता है। इसके अंदर आपको 123 kg का बैगेज भी मिल जाता है और प्लस 10 kg का आपको हैंड कैरी मिल जाता है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है प्राइस शो हो रही है 1,04,222 टेंगे। ये कजाकिस्तानी टेंगे हैं, ठीक है, पीकेआर के अंदर अराउंड बनेंगे कोई 90,000 के अराउंड बनेंगे इस वक्त आज की रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स डाल लेते हैं। डिटेल्स के अंदर सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने किया ABC लास्ट नेम और फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल XYZ। और यहाँ पे बर्थ डेट हम सेलेक्ट, आपने यहाँ पे अपनी ओरिजिनल डिटेल्स डाली है, मैं तो सिर्फ आपको शो करने के लिए डमी डिटेल्स डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बर्थ डेट कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम नेशनलिटीज़ में सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पाकिस्तान के हम इसमें नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट, पाकिस्तान। और डॉक्यूमेंट टाइप ऑब्वियसली हमारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट नंबर के नाम पासपोर्ट नंबर अपना लिखेंगे, कुछ भी हम लिख लेते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल AC 1234। एंड एक्सपायरी डेट उसके अंदर हम डालते होते हैं पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, वो हम इसके अंदर टाइप कर लेंगे। देन इसके बाद नीचे जो है हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अपना इसमें ईमेल आईडी अपनी डाल दूंगा, अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा। और नीचे मैं अपना जो है फ़ोन नंबर टाइप कर दूंगा, इसको टाइप करके मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। जेंडर हमने इसने मेल सेलेक्ट कर लिया ऑब्वियसली। और ये थोड़ी देर के बाद आपको इसके अंदर टिकट आपको शो हो जाएगी कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई है, फिर आप उसको जाके पे कर सकते हैं, आप विद इन 1 आवर पे कर सकते हैं, और आप उसी टाइम भी पे कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली टिकट आपकी होल्ड होती है फॉर 1 आवर अगर आप उसको एट अ टाइम पे नहीं डेट टाइम पे नहीं करते। तो यहाँ पर अभी हमारे पास सर्च कर रहा है, ये देखिए मुझे ईमेल आ गई है कि मेरी जो है टिकट कंफर्म हो चुकी है, रूट कंफर्मेशन हो चुका है। और यहाँ पे इस विंडो के अंदर मैं अपनी सीट सेलेक्ट कर सकता हूँ, आप इसके अंदर अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट सीट्स होती हैं जिनका आपके पास लेगरूम ज़्यादा होता है वो स्टार्ट होती हैं 6,000 तेंगे से, और उसके बाद जो नीचे ब्लू कलर के अंदर है वो फ्री हैं, आप उसको फ्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे और जो नेक्स्ट विंडो है उसके अंदर आपको ऑप्शन शो कर देगा कि आप अपनी कार डिटेल्स डालें जिससे आप जिस कार से आप पे करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ वर्थ रिमेम्बरिंग है जो आपको बताना चाहूँगा कि आप वो उस कार्ड से अपनी पे कीजिएगा जो कार्ड अपने साथ लेके जा रहे हैं, और उस कार्ड के ऊपर आपका नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट के ऊपर आपका नेम मोहम्मद अहमद है, तो उस कार्ड के ऊपर भी आपके नेम मोहम्मद अहमद होना चाहिए। आप किसी और कार्ड से
पे करने को डिस्करेज कीजिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर कभी कभार ऐसे होता है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है वो चेक करते हैं कि क्या आपने अपने ही कार्ड से पे किया है, क्या आप उसी कार्ड से पे किया जिसका जो आप बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो ये अक्सर वो चेक करते हैं और इट्स नॉट अ बिग डील, बस आप अपने कार्ड को यूज़ कीजिएगा। और इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको 23 kg का एक चेक बैग अलाउ होता है और एक 10 kg का हैंड बैगेज अलाउ होता है। इसके अलावा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे मैं इसके अंदर जो है अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंशन कर दूँगा और अपना व्हाट्सअप का नंबर भी मैंशन कर दूँगा। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। इन द लास्ट, मेरी मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, नई सी नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि हम पाकिस्तान से अपना वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं कज़ाकिस्तान एम्बेसी जाके, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं अपना वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट करूँगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। वरना उसके ऊपर मैंने एक लास्ट वीडियो भी डिटेल में बनाई हुई है, वो यहाँ पर कहीं लिंक फ्लैश होगा, आप वहाँ जाके वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।